आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 103:5 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काप के समान नई हो जाती है। आमेन। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु दुर्घटना से आपने हमारे प्राणों को बचाया, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्राणों को बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आपसे प्रेम करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके आपे प्रेम के लिए, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन आप हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए प्रभु अपने लहू को दिया, अपने प्राणों को दिया प्रभु, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम हर एक जन के लिए प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर। हम हर एक जन को तेरी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु कि आप हर एक जन के जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक की आप सूदी लें प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक के परिवार के लिए प्रभु जी, कि आप हर एक के परिवार की जरूरतों को, आप उनकी लालसाओं को प्रभु उत्तम पदार्थों से तृप्त करें। प्रभु अपने वचन के अनुसार आप हर एक की लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप उनके प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु उन्हें उत्तम बातों से तृप्त करें प्रभु जी। आप हर एक को प्रभु बेस्ट जॉब दें प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर दें प्रभु जी, और उनके जीवन में बेस्ट रिजल्ट को दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। हर एक के जीवन में आपका प्रभु कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक को प्रभु हम तेरे नाम से ब्लेस करते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु जी, आप उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर को दे, एक राइट लाइफ पार्टनर को प्रभु आप दें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो अपनी बीमारियों के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन्हें प्रभु परमेश्वर चंगाई दे प्रभु, और उन्हें भी प्रभु उनकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से आप तृप्त करें यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु जी, जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं प्रभु आप उन्हें सफलता दे परमेश्वर पिता। जो अपने जीवन में निराश हैं प्रभु आप उन्हें निराशा से दूर करके प्रभु आप उन्हें एक आशा दें, आप उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जन की आप सुधि लें, हर एक जन के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु। दुष्ट की युक्तियों से आप हर एक को बचाएं प्रभु, प्रभु आप लड़ाई झगड़ों से हर एक के परिवार को बचाएं प्रभु, हर एक एडिक्शन से आप हर एक के परिवार को बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे पिता जो अपना घर बनाना चाहते हैं यीशु मसीह, आप हर एक के घर को आप बनाएं पिता परमेश्वर। पिता हर एक के कार्य, हर एक के काम में परमेश्वर आप प्रभु जी आप आशीष दें प्रभु जी, आप उनकी हर एक इच्छाओं को आप पूरी करें पिता। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।